तो मैं आज आपको नाइट राइडर डिले स्प्रे के डेंजरस साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो नाइट राइडर है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लिडोकेन है। इसके अंदर जो ये जो लिडोकेन है इसे लिग्नोकेन भी बोलते हैं और ये जो है एक एनेस्थेटिक है और बेसिकली ये जो है सुन करते हैं, यानी कि एक नंबिंग एजेंट है, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक है स्पेसिफिकली, यानी सुन कर देता है। तो चले अब इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, डेंजर साइड इफेक्ट्स तब होते हैं जब आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, ओवरडोज कर लें, या बहुत ही अरसे तक अगर आप इसको यूज़ करें या सेल्फ मेडिकेशन करें, खुद ही से इस्तेमाल करें, तो उससे ये जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अमूमन जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इससे वो ब्लिस्टरिंग होती है, यानी कि छाले निकल आते हैं, क्रस्टिंग हो जाती है, यानी कि एक सख्त सी स्किन के ऊपर जो है वो आ जाती है, खाल की जो हो जाती है एक परत आ जाती है। इसके अलावा इससे इचिंग हो सकती है, यानी कि खुजली बहुत होती है और रेड हो सकती है स्किन। और देखें तो इससे क्रैक हो सकता है, यानी कि जो स्किन होती है वो क्रैक हो जाती है, उस पर पपड़ी सी बन जाती है, ड्राई हो जाती है और स्केली स्किन होती है, यानी कि स्केल्स उसके ऊपर से उतरते हैं फ्लेक्स की सूरत में, यानी कि इससे छिलके की तरह उतरते हैं। और इससे जॉइंट पेन भी होता है, यानी कि जोड़ों में भी दर्द होता है, स्टिफनेस भी होती है और स्वेलिंग भी होती है, यानी कि स्टिफनेस यानी कि सख्त बहुत होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि उससे सूजिश बहुत होती है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें तो वो जो है स्किन के थ्रू ब्लड में भी जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ब्लड के अंदर जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिहाज से, ठीक है। उसमें हाइव्स आ सकते हैं और अभी जो मैंने आपको बताया जॉइंट पेन वगैरह वो भी इससे होता है। लिप्स के टंग और जो थ्रॉट है उसके अंदर जो है इससे स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ओवरडोज अगर करें इसको बहुत ज़्यादा तो उसके अंदर जो है अनइवन हार्ट बीट हो सकती है, यानी कि इससे जो है दिल पे इफ़ेक्ट आता है बहुत ज़्यादा। एरिथमिया हो सकता है, यानी कि अचानक से तेज़ी से हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो रही है, फिर अचानक कम हो रही है और इरेगुलर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा सीजर्स हो सकते हैं, यानी कि इससे दौरे पड़ सकते हैं, कन्वर्जेंस यानी स्लोड ब्रीथिंग हो सकती है, यानी कि इससे सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और सांस जो है वो स्लो हो सकता है। और इसके अलावा इससे रेस्पिरेटरी फेलियर भी होता है, यानी कि वही सांस लेने जो है वो फेल हो जाना, यानी कि सांस नहीं ले पाते, जिससे डेथ भी हो सकती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये है ही लिडोकेन, ये जो है लोकल एनेस्थेटिक है तो और सुन करता है, तो जाहिर सी बात है यानी कि ये इसका इफ़ेक्ट यानी कि रोकना होता है। तो अगर ये हमारी सांस लेने के अमल को या फिर जो है हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करेगा तो यकीनन हमें नुकसान होगा। और अगर इसको अगर मुंह से ले लें, यानी कि इसको इंजेस्ट कर लें या खा लें, यानी मुंह में ये चला जाए, तो इससे जो है यानी कि अगर इसको खा लें तो इससे जो है चॉकिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो है मुंह को भी सुन कर सकता है, ज़बान को भी सुन कर सकता है और ये जहाँ जहाँ जाएगा ये उसको सुन कर देगा। अब चाहे वो लंग्स हो सकते हैं या कहीं भी हो, इवन अगर हाथ पे भी लगाएं तो वो भी सुन होगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर मुंह के अंदर इसकी इंजेक्शन हो जाए यानी इसको खा लें तो उससे जो है फिर और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अमूमन इसकी जो डोज़ होती है लिडोकेन की वो 500 mg से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ, अगर आप इसको तरीके से यूज़ करेंगे और नॉर्मली यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स जैसे इन्होंने लिखा है नो साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसमें जो है फिर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवरडोज़ करेंगे, गलत तरीके से यूज़ करेंगे, तो फिर यकीनन आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसीलिए आप इसको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके इसको यूज़ करें, ठीक है, खुद से ना इस्तेमाल करें इसको। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको इससे कोई क्वेश्चन करना हो यानी कोई सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सप्लाई भी कर दूँगा। अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।